नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा एक बार फिर पुलिस वालों की हेल्प से आखिरकार पता लगा ही लेती हैं कि मनमीत पहलवान का और सरकार का क्या रिश्ता है। जी हाँ, क्योंकि मनमीत पहलवान का सरकार के साथ में जो रिश्ता है वो बाप और बेटे का रिश्ता है, जो कि सभी लोगों के बीच में ये रिश्ता जल्दी ही आने जा रहा है। क्योंकि बात की जाए तो शक तो पहले से भी था, लेकिन ये शक अब पूरा यकीन में बदल चुका है, क्योंकि फाइनली पता लग चुकी है मीत हुड्डा को भी कि ये मेरे से प्यार नहीं करता है मनमीत पहलवान, ये खाली अपना एक मकसद सीधा कर रहा था, अपने बाप के कहने पर मेरे से चाल चल रहा था। और जो कि मीत हुड्डा और उसकी फैमिली के सामने इस तरीका से पेश आता था ताकि वो कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि सरकार की हर चाल पर अब मीत हुड्डा की नज़र होने वाली है, क्योंकि मीत हुड्डा किसी भी तरीका से मनमीत से तो शादी नहीं करने वाली, लेकिन मनमीत को जो कि आईना जरूर दिखा सकती हैं। क्योंकि मनमीत चाहे अपने आपे में कितना भी इनोसेंट बनने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी हर चाल को नाकाम करती हुई नज़र आने वाली है मीत हुड्डा। क्योंकि मीत हुड्डा ने बोल दिया है कि अब तक तो इसने हमारे साथ में गेम खेला, अब असली गेम हम इसके साथ में खेलेंगे, क्योंकि हमें इसका पता था कि ये कितना ज़्यादा धोखेबाज है। अब मीत हुड्डा खुद जवाब देती हुई नज़र आने वाली है सरकार को कि जितना तुझे कोशिश करनी है इतनी तू कोशिश कर ले, लेकिन अपनी कोशिश में कभी भी तो कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि तू अपनी कोशिश में इसलिए कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरी नीयत शुरू से ही ख़राब थी। और आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा कभी भी अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ती, जो वादा वो करती हैं उसे पूरा करने की भी ताकत रखती हैं। और मीत हुड्डा ने बोल दिया है कि आने वाले टाइम में देख मैं तेरा क्या करती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो। आप लोगों के लिए दिल से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लव यू गाइस।